विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने फेवरेट चैनल यसडे न्यूज में। तो दोस्तों, अगर आप भाईजान सलमान खान के डाई हार्ट फैन है तो खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज जो मैं खबर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वो भाईजान सलमान खान से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों सलमान खान की फिल्म राधे मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज किया गया था, जिसमें सलमान खान, दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म से ऑडियंस को बहुत सारा उम्मीदें थी, लेकिन ये ऑडियंस की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है वो ऑडियंस के दिलों में खास जगह नहीं बना पाई है। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी और रिलीज होते ही इस फिल्म ने काफी जबरदस्त कमाई की तो थी, लेकिन इस फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट ने ऑडियंस का मन जरूर खट्टा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। अब भाईजान सलमान खान है तो वो बखूबी जानते हैं कि वो कैसे अपने फैंस को इम्प्रेस करे। दोस्तों, भाईजान सलमान खान ने अपनी कमर कस ली कि अपने एक बार फिर से अपने फैंस के चेहरे पर खुशियां बिखेरेंगे और वो एक बार फिर से अपने फैंस को इम्प्रेस करने वाले हैं। तभी तो वो अपने आने वाले दिनों में एक नहीं बल्कि दो दो फिल्मों से धमाका करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आने वाले दिनों में सलमान खान दो दो फिल्मों से अपने फैंस को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं, और जिसके लिए सलमान खान ने इन दोनों ही फिल्मों की जो स्क्रिप्ट है उसको ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है। और बताया जा रहा है कि दोनों ही फिल्मों की जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही दमदार है, जिससे सलमान खान के फैंस की जो खुशी का ठिकाना नहीं होने वाला है। बात करो दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों के बारे में, तो जो पहली फिल्म है वो कोरोना काल में रिलीज हुई साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म मास्टर है, जिसके हिंदी रीमेक में भाईजान सलमान खान नजर आने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के बता दूं कि जो मास्टर फिल्म है इसमें साउथ के सुपरस्टार विजय थालापति और विजय सेतुपति नजर आए थे, और ये फिल्म बहुत ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म को ऑडियंस का बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। अब जाहिर सी बात है कि साउथ के इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की हिंदी रीमेक में अब अगर भाईजान सलमान खान नजर आते हैं तो ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर ही साबित होने वाला है। तो वही दोस्तों, दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है, खबरों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि भाईजान सलमान खान ने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ हाथ मिला लिया है और वो जल्द ही एक बड़े बिग बजट मूवी के साथ को लेकर फैंस के सामने हाजिर होने वाले हैं। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है, लेकिन ऐसा दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि भाईजान सलमान खान जल्द ही दोनों ही फिल्मों की अनाउंसमेंट ऑडियंस के लिए करने वाले हैं। तो वही दोस्तों, अगर बताओ तो सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों भाईजान सलमान खान टाइगर 3 और कभी ईद कभी दिवाली को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। आए दिन इन दोनों ही फिल्मों को लेकर कोई ना कोई खबरें तो जरूर सामने आती रहती है। वही सलमान खान अपने कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस को लेकर भी काफी सुर्खियों में है। दोस्तों, इसमें बिग बॉस का 15 सीजन आने वाला है, यानी कि बिग बॉस 15 मई को लेकर ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इसमें बिग बॉस 15 में न्यूरो कॉमनस की भी एंट्री होने वाली है, तो वही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है वो कपल के तौर में आने वाले हैं। इससे फैंस इस बात पर बहुत निगाह टिका कर बैठे हैं कि इस बार बिग बॉस 15 में जो है वो कौन कौन से सेलिब्रिटीज कपल के तौर पर एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, भाईजान सलमान खान की इन दोनों ही फिल्मों को लेकर कितने एक्साइटेड है, साथ ही साथ बिग बॉस 15 को लेकर आप कितने एक्साइटेड है? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए, और हमारे चैनल यानी कि यसडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।